मेहदी हसन साहब एक घराना है मुस्तिती का, जो राजा महाराजाओं के पास ये लोग गाते थे। तो ये महाराजा बड़ौदा के पास इनके वालिद उस्ताद अजीम खान साहब और इनके चचा उस्ताद इस्माइल खान साहब और इनके दादा उस्ताद इनाम खान साहब दरबारी गवैये थे। मेहदी हसन खान साहब ने पहली परफॉर्मेंस फर्स्ट परफॉर्मेंस 7 साल की उम्र में, और वो परफॉर्मेंस इतनी अमेजिंग थी कि महाराजा बड़ौदा ने उनको बहुत सारा इनाम दिया और बहुत हैरान हुए कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा। तो उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो अपनी फैमिली के साथ ये पाकिस्तान मूव कर गए और यहाँ आके इन्होंने बड़ी मेहनत की। इनके वालिद साहब उस्ताद अजीम खान साहब जब यहाँ पाकिस्तान आए, ज़ाहिर है नया नया मुल्क बना था, बहुत सारे रोजगार के मामला जो आज भी शोबिज़ के लोगों के होते हैं, मसले मसाइल परेशानियाँ, वो उस वक्त भी थी। तो उन्होंने फिर इनके वालिद ने सोचा कि कोई दुकान कोई टाल लगा लें। तो उन्होंने कहा मेरे वालिद को लोग कहेंगे अजीम टाल वाला, इतने बड़े सिंगर हैं। तो हम इन्होंने फिर अपने वालिद की हेल्प के लिए एक साइकिल पंचर, साइकिल मुरम्मत पंचर बनाने वाली एक दुकान छोटी सी बनाई। वहीं पर कुछ इन्होंने मैकेनिक का काम सीखा, लेकिन उन्होंने पूरी एक प्रोफेशनल डिग्री ली थी, बता दूँ आपको, फर्गसन कंपनी से डिप्लोमा लिया था इंग्लैंड से, और ये ट्रैक्टर के इंजन बनाया करते थे। तो मेहनत के साथ साथ रियाजत चलती थी, और मेहदी हसन साहब अचानक नहीं नमूदार हो गए इंडस्ट्री में। इन्होंने जब रेडियो पाकिस्तान गए तो बाकायदा रियाज ऑडिशन दिया, ऑडिशन पास किया। फिल्म के लिए गए तो स्टूडियो में घुसना बड़ा मुश्किल काम था। तो इनके बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर साहब, वो बड़े माहिर थे मौसीकी के, तो इन दोनों भाइयों ने स्टूडियो में घुसने के बड़े जतन किए। और वहाँ पर जाके जल तरंग एक साज होता है, बड़ा मुश्किल है उसको बजाना। तो मेहदी हसन खान साहब ने वहाँ पर स्टूडियो में एक ज़रूरत थी कि भाई जल तरंग बजाने वाले चाहिए, तो खान साहब ने अपनी ऑफर की मेहदी हसन साहब ने कि जी मैं बजाऊँ। तो उस कंपनी में इनको नौकरी मिल गई 100 या 150 रुपये माहवार पे। अब हुआ ये कि इनके बड़े भाई भी हैं, इन्होंने कहा हम दो भाई दोनों बजाया करेंगे। तो स्टूडियो के जो मालकान थे वो बड़ा खुश हुए कि यार ये बाय वन गेट वन फ्री वाला चक्कर हो गया कि एक भाई दो दो भाई आ जाएंगे, काम होगा। इस तरह मेहदी हसन खान साहब जो फर्स्ट टाइम आए हैं इंडस्ट्री में, वो एज ए सिंगर नहीं आए, एज ए म्यूजिशियन उनकी एंट्री हुई है। और उसके बाद ये इनकी एक आगे की वो चीज थी, विजन था कि मैं स्टूडियो में घुसूंगा, ऑडिशन होगा, काम मिले, काम के लिए उन्हें इस तरह से, क्योंकि माहिर थे मौसीकी के लिए। तो जब वो इंटर हो गए तो उसके बाद उनके रास्ते खुलते गए, और उसके बाद फिर रफीक अनवर साहब ने इनको बुलवाया, और फिल्म बन रही थी कुंवारी बेवा, और उसके बाद जो जिस फिल्म में गाना गाया, अजीब बात यह है कि वो फिल्म ही रिलीज नहीं हुई। मेहदी हसन साहब ने जिस फिल्म के लिए गाना गाया था और तो वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये इनके साथ एक आप देखें कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आप फिल्म के लिए गाना गा रहे हैं। पहला गाना था मेरे ख्वाब व ख्याल की दुनिया लिए, तो ये मेरे ख्वाब व ख्याल की दुनिया ये ख्वाब व ख्याल बन गया, वो डब्बे में रह गई। फिर दूसरी फिल्म कुंवारी बेवा वो हुई। अच्छा, इस दौरान मैं आपको बताऊं कि मेहदी हसन साहब फिल्म की तरफ भी भाग रहे थे, रेडियो में ऑडिशन दे के आ गए थे, और मुजफ्फराबाद रेडियो में एक तकरीब हो रही थी, वहाँ पर मेहदी हसन साहब परफॉर्मेंस के लिए गए थे। और उस वक्त सारे बड़े बड़े स्टार थे उस वक्त के, एस बी जॉन और इकबाल बानो और इस तरह के बहुत सारे सिंगर परफॉर्म कर रहे थे। खान साहब की एंट्री नहीं हो रही थी मेहदी हसन साहब की, तो आखिर में इनकी एंट्री हुई। तो इनके बड़े भाई पंडित जी राजा के स्टेशन डायरेक्टर से कहते थे कि भाई मेरे छोटे भाई के करा दो एक गज़ल गाएगा। तो फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल उन्होंने गुलों में रंग भरे, फर्स्ट टाइम मुजफ्फराबाद रेडियो की तकरीब की, वहाँ जब वो परफॉर्म करने के लिए आए तो जाहिर है आखिरी सिंगर थे, नाम भी नहीं था, लेकिन राग झंझोटी एक ऐसा राग है कि वो रात के वक्त की सुबह होने वाली थी आखिरी पैर, राग झंझोटी में उन्होंने कंपोज किया था दोनों भाइयों ने मिल के गुलों में रंग, उसका ऐसा असर हुआ कि आज तक के असरात जारी हैं और हर कोई
वहीं से गुजरता है, जो भी गजल सिंगर है, जो भी प्लेबैक सिंगर है, जब वो अपनी गायकी का आगाज करता है, ऊपर नीचे सुर लेके आता है, तो उसको अल्टीमेटली मेहदी हसन साहब के पास से गुजरना पड़ता है, वो जगहें, वो सुर जो मेहदी साहब थे। लेकिन लता जी ने क्या कहा कि भगवान बोलता है। हमने उनसे बात की थी, मैंने उनसे अपनी किताब के लिए कमेंट किया था, टेलीफोन पे बात करने का एजाज हासिल हुआ। मैंने कहा इसको एक्सप्लेन कर दें लता जी, भगवान क्या मतलब है, क्योंकि उनका एक मजहब और हमारे मजहब में डिफरेंट की वजह से भी मैंने पूछा कि भगवान बोलता है। तो उन्होंने कहा कि जो मेहदी जी अपने गले से जो सुर बोल देते हैं और जो उनके सुर नीचे से ऊपर तक जाता है, ऊपर से नीचे तक सुर लाते हैं, तो वो इंसान का काम। तो मेहदी हसन साहब तो जो गजल गायकी पहले कमरे के अंदर होती थी, मेहदी हसन साहब ने उसको कमर्शियल किया, मेहदी हसन साहब ने गजल गायकी को एक नया रंग दिया, लोग ऑडिटोरियम जाने लगे, टिकट लेकर पैनल अकवामी ये दौरे इंटरनेशनली हर बड़े बड़े हॉल में जाके लोग टिकट लेके गजल सुनने लगे, इससे पहले सिर्फ कमरे में। तो अब मैं गजल गायकी मेहदी हसन साहब पर शुरू होती है, मेहदी हसन साहब पे ही खत्म होती है। अब फिल्म की तरफ जब गए, फरंगी फिल्म में इनकी इसको ले लिया गया, इस गजल को कंपोजिशन इनकी थी और फिर वो अलाउद्दीन साहब पे पिक्चराइज हुई। इसी दौरान फिल्म ससुराल बन रही थी, फिल्म ससुराल के लिए जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, ये दोनों बैक टू बैक एक गजल के रूप में एक फिल्मी गीत के रूप में मेहदी साहब की आए, उस पर इनको निगार अवार्ड मिला। बस उसके बाद मेहदी साहब ने आओ यकीन करें पलट के नहीं देखा, जाते ही गए। उसके बाद जो उनका प्रोटोकॉल अल्लाह ने दिया, फिर शहंशाह गजल का खिताब फील्ड मार्शल अय्यूब खान ने दिया, फिर तमगे उसने कारकर्दगी, इतने सारे पाकिस्तान के बड़े अवार्ड, तो चलो पाकिस्तान के सिंगर, हिंदुस्तान गए तो सैगल अवार्ड, और हिंदुस्तान में जब 1977 फर्स्ट टाइम गए थे तो जब ये पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए तो उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और जितने पार्लियामेंटेरियंस थे उन सब ने उनका खड़े होकर इस्तकबाल किया। किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी आर्ट और कल्चर के काम करने वाले के लिए, किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोटोकॉल दिया गया। इसी तरह नेपाल में गए तो 21 तोपों की सलामी दी जा रही है, शाह जाहिर के अफगानिस्तान के शाह जाहिर ने बुलाया तो उन्होंने भी इनको एक स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया। इसी तरह देखिए अफगानिस्तान आया तो जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, बांग्लादेश गए तो वहाँ पर भी स्टेट गेस्ट की हैसियत से इनको इस्तकबाल किया गया, जो कि प्राइम मिनिस्टर और सदर का इस्तकबाल किया जाता है। उस तरह ये इसलिए होता था कि उनकी गायकी जो थी, उनका जो काम था वो बड़ा गैर मामूली था, आम सिंगर नहीं थे वो गैर मामूली सलाहियत के हामिल थे। और मैं कहता हूँ दिलीप कुमार साहब ने मेरी इस किताब में कहा है कि अगर आज के दौर में तानसेन साहब जिंदा होते तो वो भी उनके शागिर्द बन जाते गंडा बांध। ये कौन कह रहा है? दिलीप कुमार, जो दुनिया का एक आदमी, दिलीप कुमार साहब ने इनको हिंदुस्तान बुलाया था, अपने फर्स्ट टाइम मेजबानी की थी और दिलीप कुमार साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आपके शो की होस्टिंग करूंगा, कंपेयरिंग करूंगा, और जितने भी मेहदी साहब ने वहाँ शो किए थे उसकी कंपेयरिंग जो थी वो दिलीप कुमार साहब किया करते थे। मेहदी हसन साहब के फिल्मी सफर में आप देखें जब वो गाना रिकॉर्ड करते थे पूछते थे किस अदाकार में पिक्चराइज हो रहा है, नदीम पे हो रहा है, वही तुरात पे हो रहा है, मोहम्मद अली साहब पे हो रहा है, और सबसे ज़्यादा इनकी आवाज़ जो थी वो सूट करती। मेहदी साहब भी खुद कहते हैं और तमाम जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, तमाम नखात म्यूजिक डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली साहब पे बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ सूट करती थी, जब वो लगता था जैसे मेहदी हसन साहब की आवाज़ नहीं बल्कि मोहम्मद अली, फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब अपनी बेगम साहिबा को कहा करते थे कि भाई ये तो मैं गाने गाया करता हूँ, बाद में वो पता चला कि मजाक में कहते थे। हम बात करें मेहदी हसन साहब की, देखिए मेहदी हसन साहब के इंतकाल के बाद गजल गायकी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है, गजल गायकी ख़त्म हो, हिंदुस्तान में जो गजल गाई जाती है वो गजल नहीं, वो फिल्मी तर्ज की चीज़ें होती। जगजीत साहब बहुत अच्छा काम करें, तलत अजीज साहब मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं, हरी हरन साहब बहुत अच्छा काम करें, अनूप जलोटा साहब, जगजीत साहब बस अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मेहदी साहब का इंतकाल हुआ तो ये गजल गायकी जो है ख़त्म हो। अब इस गजल गायकी को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत काम करना है और ख़ास तौर से पाकिस्तान का खासा, पाकिस्तान का जो खासा है वो मेहदी हसन साहब की गजल गायकी, तो गजल गायकी के लिए अब हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए काम
ये नए टैलेंट आए, नए लोग आए, आप जो मैं नहीं देख रहा हूँ यंग जनरेशन से कोई बड़े अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हो जो गजल गायकी की तरफ जा रहे हो। मैं थोड़ी सी अपने लिए बात करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने जब गाना सिखाया, मैं उनका बैठा था शागिर्द हूँ, आप तस्वीर भी देखेंगे मेरी शागिर्दी के साथ, मैं शागिर्द हुआ था उनको गाना सुना रहा हूँ सारी चीजें। तो जब वो मेरे साथ, मैंने देखा गायकी की तो बहुत बड़ा समुंदर है भाई, तो मेडिएशन साहब से क्यों मैं सवाल जवाब करता था, शुरू से क्यूरियोसिटी थी और पड़ोसी भी था, बच्चों का दोस्त भी था। मेडिएशन साहब मुझे अपने प्रोग्राम में ले जाते थे, सबसे पहले तो ये उनकी जो बुक्स होती थी वो मैं खोल के पीछे रखती थी, शुरू किया गुलों में रंग भरे बाद बार किताब खोली, अपने कामरान साथ होता था, वो कीबोर्ड बजाता था, इमरान उनके बेटे तबला प्ले किया करते थे, तो बच्चों की वो एक टीम बन गई थी। हम तो सिर्फ थे असली दास्तां तुम हो, देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगों इस वतन के परचम को सरबुलंद रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा कांस के।